हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नज़मा बानो फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। और जो टीटीसी के प्रावधान में हमारी वीडियो क्लासेस लग रही हैं ई प्रैक्टिकल्स की, उसकी तीसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना और एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना बताने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियोस में मैंने बता दिया था आपको कि कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हमें सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है और देन हम वॉइड मेन लिखते हैं, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोग्राम को लिखने का। तो जो प्रोग्राम की बॉडी है या डेफिनेशन है वो हमें इन दो ब्रेसेस के बीच में लिखनी होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा था, आज हम देखेंगे कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करना। तो कॉन्स्टेंट के लिए सी में कीवर्ड है कॉन्स्ट। अगर हम कॉन्स्ट लगाते हैं सपोज़ ये मेरा वेरिएबल था इंटीजर ए एंड इसकी वैल्यू थी 10, तो ए असाइन बाई 10। अभी यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर मैं इसके आगे कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड लगाती हूँ तो दैट मीन्स ए एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 दी गई है, और इस पूरे प्रोग्राम के दौरान इस ए की वैल्यू 10 ही रहने वाली है। इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि हम इसको चेंज करके देखते हैं तो कंपाइलर हमें क्या कहता है। तो a इक्वल्स टू a इंटू 10, यहाँ पर मैं 10 की वैल्यू अपडेट करना चाह रही हूँ उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, देन मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो प्रिंट परसेंटेज d कॉमा a वेरिएबल का नाम। अब हम इसको कंपाइल करा कर देखते हैं तो हमें एक एरर मिली है। एरर क्या बोलती है, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमारा ए जो है वो हमने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया है और हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी इंटीजर टाइप के वैल्यूज को कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करना होता है, हम उसको कॉन्स्ट कीवर्ड से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जो सेकेंड मेथड है कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने का, वो हम इसको ग्लोबली भी डिक्लेयर कर देते हैं। ग्लोबली मीन्स हम इसे प्रोग्राम से ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम यूज़ करते हैं डिफाइन कीवर्ड्स, तो हमने यहाँ लिखा है डिफाइन ए, यहाँ पर हम इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे एंड ए 10। अब हम अगर सेम प्रोग्राम को रन करें देन अगेन वी आर गेटिंग एरर। एरर आ रही है एल वैल्यू रिक्वायर्ड। एल वैल्यू मीन्स कि हम यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में वैल्यू ले रहे हैं वो ए वेरिएबल में हम अपडेट कराना चाहते हैं, तो वही मैसेज हमें मिल रहा है कि क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है ए वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम इस कांस्टेंट के कंसेप्ट को यूज़ कर प्रोग्राम लिखने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल में जैसा आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई हमारा कांस्टेंट है तो पाई की वैल्यू जो है हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है अपनी 3.14159, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट हमने 5 डिजिट तक इसकी वैल्यू ले ली है। तो यहाँ पर हमने पाई को ग्लोबली कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी पूरे प्रोग्राम में हम पाई की वैल्यू को अब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम डिफाइन करते हैं वहाँ पर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं और कोई फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देन कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले मैंने आपको बताया है कि हमें देखने होते हैं कि इनपुट्स क्या होते हैं और आउटपुट हमारे क्या होने वाले हैं। तो जैसे अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम लिखना है तो इनपुट हमें क्या देना होगा, रेडियस, उस सर्कल की हमें रेडियस देनी होगी, और देन हमें आउटपुट मिलने वाला है एरिया। तो हमें दो वेरिएबल्स लेने होंगे, हम फ्लोट टाइप लेंगे दोनों को क्योंकि जो रेडियस है वो भी फ्रैक्शनल 7.5 या 8.5 समथिंग हो सकती है, एंड जो एरिया कैलकुलेट होगा वो ऑब्वियसली एक फ्रैक्शनल पार्ट उसमें आएगा, इसलिए हमने दोनों फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। देन मैंने आपको बताया आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन। अब हम
यूजर से मैसेज मांगने वाले हैं क्योंकि हमें रेडियस इनपुट चाहिए, तो एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ सर्कल, ओके। देन जो भी यूजर इनपुट करने वाला है वैल्यू, वो हमें चाहिए रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर, तो हम लिखेंगे परसेंटेज एफ कॉमा एड्रेस ऑफ रेडियस, ओके। ये हमारा हुआ इनपुट लेने तक का काम। देन हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो सिंपली हमें एक अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना है, पाई इनटू रेडियस एंड अगेन इनटू रेडियस। तो यहाँ पर हमने सिंपली जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का वो लगा दिया है, और अब हम एरिया की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। सो प्रिंट एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए तो हमने लिखा परसेंटेज एफ कॉमा, किसकी वैल्यू चाहिए, एरिया नाम के वेरिएबल की। सो हमने कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नेम लिख दिया है। देन हम लिखेंगे गेट सी एच, सेम स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए, और कंट्रोल एफ नाइन। सो एंटर रेडिया ऑफ सर्कल, सपोज हम देते हैं यहाँ पे 5, एंटर, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 78.53। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। दोबारा हम अगर इसी को रन कराना चाहें तो हम सपोज देते हैं 7 के लिए, और आउटपुट आ जाएगा 153 point something। सो आज हमने सीखा कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करना, इंटीजर टाइप के कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करना और फ्लोट टाइप के कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करना। नॉर्मल कॉन्स्ट कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो डिफाइन को यूज कर कर भी हम कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल लिखने का हमने प्रोग्राम लिखा है। होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।